गुमला जिले के कामडारा प्रखंड से आए एक्सपोजर टीम में शामिल 30 पशु सखियों के दल ने घाघरा प्रखंड के उड़ी में बकरी पालन एवं चेंगरी ग्राम में मुर्गी पालन कार्य को देखा। इस दौरान एक्सपोजर टीम द्वारा जोहार परियोजनाओं से घाघरा प्रखंड में हो रहे बकरी एवं मुर्गी पालन की जानकारी पशुपालकों से प्राप्त की। जोहार परियोजना के घाघरा कोऑर्डिनेटर धनंजय उराव ने कामडारा से आए एक्सपोजर टीम में शामिल महिलाओं को JSLPS के जोहार परियोजना के तहत घाघरा प्रखंड के पोड़ी में बकरी एवं चेगरी ग्राम में मुर्गी पालन के हो रहे कार्य को दिखाया। साथ ही पोड़ी में बकरी पालन कार्य की जानकारी सीलवंती देवी एवं चेगरी ग्राम में मुर्गी पालन कार्य की जानकारी ने ब्रिजनिया ने कामडारा से आए पशु सखियों को दिया। साथ ही साथ मुर्गी पालन व बकरी पालन की विधि से अवगत कराते हुए बताया कि पशुपालन रोजगार का सबसे अच्छा मार्ग है, जिसमें महिलाएं अपने घर पर रहकर ही पशुपालन से जुड़कर अच्छी आय अर्जित कर सकती हैं। साथ ही एक्सपोजर टीम शामिल महिलाओं को मुर्गी और बकरी के रख रखाव का तरीका, चारा, टीकाकरण, कृमिकरण के तरीकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मौके पर कोऑर्डिनेटर धनंजय उराव, उड़ान परियोजना के यंग प्रोफेशनल नागेंद्र सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। घाघरा गुमला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। के कामडारा ब्लॉक से 30 दीदी लोग हमारे घाघरा प्रखंड में पशुपालन पर आधारित जो कार्य चल रहा है उसको देखने के लिए आई हुई है। आदर पंचायत के अंतर्गत से हमारा जो पोड़ी गाँव है, जो जोहार परियोजना के तहत ब्रीडर विलेज बकरा प्रजनन गांव है, वहां पे दीदी लोग आई हुई हैं और सबको हम लोग बकरी कैसे रखना है, उसका सेट क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बकरी को कब डिवर्मिंग करना है, वैक्सीनेशन कब होना है, उनको क्या क्या खिलाना है, वो सारा चीज़ दीदी लोग को दिखा रहे हैं। साथ ही दीदी लोग को ये भी दिखा रहे हैं कि डुको पंचायत का चेगरी गाँव में हम लोग का सोनाली चिक्स जो है BYP मुर्गी पालन के लिए हम लोग अभी हार्डनिंग सेंटर में 4000 चूजा गिरा आया हुआ है, उस पर भी दीदी लोग को एक्सपोजर किए हुए हैं और उसके बारे भी दीदी लोग के वो बताया जा रहा है, ताकि दीदी का आजीविका कैसे बढ़े पशुपालन से, या तो हो बकरी पालन हो या फिर मुर्गी पालन हो, इस पर हम लोग दीदी लोग को विस्तार से बता रहे हैं। धन्यवाद।